आगे प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली एक फिल्म की शूटिंग के लिए दिल्ली आए हुए हैं। उनसे भारत पाक संबंधों पर बातचीत की हमारी सहयोगी चेतना भटनागर ने। गुलाम अली साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं। सबसे पहली बात जो मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि शोएब इलियासी ने इनको एक्टिंग करने पे कैसे आपको राजी किया? कोई खास एक्टिंग नहीं है, उसमें कुछ चंद बातें करनी थी, तो एक्टिंग तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम गाना है। तो गाना मैंने गाया था, मेरे भाई हैं शोएब साहब, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे भाई हैं, गाने के लिए मुझे कोई भी कहे तो मैं ना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वो काम है। तो बहरहाल अच्छा काम था, अच्छी सिचुएशन थी गाने की, तो मैं वो गाया। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा अटेंड करना अपने, हाँ जी, डबिंग नहीं करना है थोड़ा सा बातों को। तो बहरहाल वो भी मैंने किया। तो उसके बाद कोई ख़ास, बहुत अच्छा काज है वो, अच्छे काम के लिए मैं, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं शायद ना करता। प्राइम मिनिस्टर पीएम की तरफ से भी, वहाँ की तरफ से भी यहाँ की तरफ से भी अच्छा ही पैगाम चाहते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये कुछ लोग ऐसे होते जो उन चीज़ों को भी ये ख़राब करना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम साए मुल्क तो आपस में बहुत एक जैसा होकर रहना चाहिए। आते जाते कोई एक ऐसा मैसेज जो हम सारे भारतीयों को और आपके फैंस को आप देना चाहें? मैं यही देना चाहूँगा मैसेज अपने फैंस को कि जहाँ भी रहें खुश रहें और सुर में रहें, मोहब्बत एक दूसरे को बांटते रहें, बस यही बात। थैंक यू सो मच। तो आप मोहब्बत बांटते रहिए, सुर में रहिए, तभी आप गुलाम अली साहब के पास आ पाएंगे। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन चंदन के साथ चेतना पटनागर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।